नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। हायर एजुकेशन के लिए छात्रों को नहीं जाना पड़ेगा बाहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बेंगलुरु और भोपाल के तर्ज पर खुलने जा रही अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएगी। प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। रांची के इटकी में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर शनिवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुआ। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अध्यक्ष IT कंपनी विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी उपस्थित थे। बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड के लिए शनिवार का यह दिन ऐतिहासिक है। राज्य सरकार एवं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के आपसी समन्वय और सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नई शुरुआत हो रही है। 1932 खतियान पर बगावत, कांग्रेस प्रभारी ने नेताओं का बंद कराया मुंह। आलाकमान की ओर से सख्ती के बाद प्रदेश में कांग्रेस नेताओं को 1932 के खतियान के मुद्दे पर बयानबाजी से दूर रहने का निर्देश दिया गया है, लेकिन इससे कांग्रेस के कई नेता पार्टी में ही असहज महसूस कर रहे हैं। अनौपचारिक तौर पर सभी मान रहे हैं कि यह खतियान लागू नहीं हो सकता, लेकिन अब उन्हें इससे संबंधित बयानों से दूर रहना है। ऐसे में अब तक मुखर रहे नेता पार्टी के अंदर ही असहज महसूस कर रहे हैं। ज्ञात हो कि इस मामले में कांग्रेस के नेता सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह आदि कई नेताओं ने इस आधार पर इस प्रस्ताव का विरोध किया था कि कई जिलों में 1932 में सर्वे ही नहीं हो पाया था। इसके बाद के वर्षों में हुए सर्वे को आधार बनाने की मांग भी ऐसे नेता कर रहे थे। पंकज मिश्रा के घर से CM हेमंत का पासबुक व चेकबुक मिला। ED ने रांची स्थित ED की विशेष अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर दाखिल अभियोजना शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया है कि ED की 8 जुलाई की छापेमारी में पंकज मिश्रा के घर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक पासबुक व 2 चेकबुक भी मिला था। ये कागजात एक सीलबंद लिफाफे में थे, जिसमें 2 चेक हस्ताक्षर किए हुए और 31 ब्लैंक थे। मुख्यमंत्री का उक्त पासबुक बैंक ऑफ इंडिया की साहिबगंज स्थित गंगा प्रसाद शाखा से निर्गत है। मुख्यमंत्री के खाते में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, इसका जिक्र ईडी ने अपनी चार्जशीट में नहीं किया है। बता दें, ईडी ने अभी बताया है कि पंकज मिश्रा के 4 बैंक खातों में पड़े 83 लाख रुपये को छानबीन के बाद फ्रीज करवाया गया। जब अवैध खनन चरम पर था, तब इन बैंक खातों में अनगिनत रुपए की लेनदेन की गई है। बेंगलुरु और भोपाल की तर्ज पर रांची में खुलेगा अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय। बेंगलुरु और भोपाल की तर्ज पर राजधानी रांची के इटकी में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। यह विश्वविद्यालय एक रिसर्च सेंटर के रूप में भी काम करेगा। शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में इसे लेकर राज्य सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुआ। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अध्यक्ष IT कंपनी विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी उपस्थित रहे। दुर्गा पूजा में पुलिस बलों के साथ तैनात रहेंगे दंडाधिकारी। दुर्गा पूजा की तैयारी तेज हो चुकी है। पूजा के आयोजन को लेकर शनिवार को धनबाद के न्यू टाइन हॉल में उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त के अलावा SSP संजीव कुमार, ग्रामीण SP रिश्मा रेशम सहित जिला भर के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे उपायुक्त संदीप सिंह ने पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश दिए। बैठक में मौजूद ट्रैफिक DSP राजेश कुमार से ट्रैफिक रूट पर चर्चा की गई। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बात हुई। जिले भर के थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने थाना क्षेत्र की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हेमंत सरकार के कई अफसरों पर CBI जांच का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटित करने और बिना नियमों का पालन करते हुए व्यवसायी दर निर्धारित करने की CBI जाँच का आदेश दिया है। अदालत ने माना है कि IDA के अधिकारियों की मिली भगत के चलते नियमों का उल्लंघन किया गया। अदालत ने IDA की तत्कालीन MD और वर्तमान में उद्योग सचिव वंदना डाडेल की संलिप्तता पाते हुए उनकी भी CBI जांच का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि उद्योग सचिव वंदना डाडेल ने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव से कहा है कि सचिव वंदना डाडेल ने अदालत को गुमराह किया है और तथ्यों को छिपाया है।
इस कारण वह अभी इसकी जांच करे और तथ्य मिलने पर उनके खिलाफ आदेश मिलने के 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करे। मानव तस्करों के चंगुल से आरपीएफ ने 10 नाबालिग को बचाया। आरपीएफ चक्रधरपुर को सूचना मिली कि नौकरी और अधिक पैसा कमाने का सपना दिखाकर 10 नाबालिग बच्चों को मानव तस्कर बेंगलुरु ले जा रहे हैं। आरपीएफ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चक्रधरपुर स्टेशन में मानव तस्करों के चंगुल से 10 बच्चों को बचा लिया। हालांकि मानव तस्कर भागने में सफल रहा। आरपीएफ थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया है कि 5 लड़का और 5 लड़की हैं। सभी बच्चों को यशवंतपुर टाटा एक्सप्रेस से बेंगलुरु ले जाने वाले थे। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के समीप सभी लोग बैठे हुए थे। पूछताछ के दौरान बच्चों ने बताया कि चाईबासा मोफसिल थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव के रहने वाले हैं, जबकि एक सोनुआ थाना के लोटा पहाड़ का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में उन्हें काम दिलाने के लिए कोई ले जा रहा है, लेकिन कौन ले जा रहा है इस संबंध में कोई भी नाबालिग नहीं बता पाया। रांची में कचरा मुक्त के लिए बनाई मानव श्रृंखला। रांची नगर निगम की ओर से शनिवार को दिन में पहाड़ी मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप से कचरा मुक्त शहर बनाने को लेकर रैली निकाली गई। स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हुए आयोजन में मानव श्रृंखला भी बनाई गई। इस कार्यक्रम में हरमू रोड के शनि मंदिर चौक तक कई कार्यक्रम हुए। निगम की ओर से भी सभी धार्मिक स्थल की साफ सफाई की गई और मंदिर के मुख्य द्वार के समीप रंगोलियाँ बनाई गई। निगम की ओर से पर्यावरण संरक्षण को लेकर फलदार और छायादार पेड़ के पौधे भी वितरित हुए। इससे पूर्व एकल प्रयोग के प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने, कपड़े के थैली का प्रयोग, कचरा मुक्त शहर बनाने को लेकर आमजन को जागरूक किया गया। दुर्गा पूजा में निर्बाध बिजली के लिए 4 दिन चलेगा मरम्मत कार्य। दुर्गा पूजा में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत विभाग अगले 3 से 4 दिन मरम्मत कार्य करेगा। रांची के सभी विद्युत अभियंताओं के शनिवार को इस पर बैठक हुई। इसमें दुर्गा पूजा के दौरान 1133 केवीए के माध्यम से जरूरत वाले स्थानों पर मरम्मत करने को कहा गया। ग्रिड सब स्टेशन हटिया 1 में 50 MVA के 2 ट्रांसफार्मर में काम के कारण कई क्षेत्रों में करीब 6 घंटे तक बिजली ठप रही। इसमें राजभवन रातू विधानसभा बेड़ों में पूरी तरह आपूर्ति ठप रही। विभिन्न 33 केवीए फिड्रो हरमू कांके धुरवा और गोड़ा को प्रतिबाधित विद्युत आपूर्ति की गई। शिक्षकों को ई विद्यावाहिनी माध्यम से बनानी होगी हाजिरी। शिक्षकों को ई विद्यावाहिनी माध्यम से ऑनलाइन ही उपस्थिति बनानी होगी। इस संबंध में रांची DEO कमला सिंह ने स्कूलों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी स्कूल में मंत्रा डिवाइस खराब हो गया है तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को अपने टीचर्स ID का उपयोग करते हुए ई विद्यावाहिनी ऐप में लॉगिन कर उपस्थिति बनानी होगी। उन्होंने कहा है कि किसी भी स्थिति में मैनुअल उपस्थिति विद्यालय के लॉगिन से नहीं बनाया जाएगा। शनिवार को क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त सचिव दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के साथ समीक्षा बैठक में शिक्षकों और विद्यार्थियों को उपस्थिति में कमी को देखते हुए निर्देश दिया गया है। स्कूलों के आसपास तंबाकू का बिक्री बंद। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खासकर देखा जाता है कि तंबाकू संबंधित पदार्थ की बिक्री ज़्यादातर स्कूल कॉलेज के आसपास की जाती है, जिससे बच्चे आसानी से तंबाकू संबंधित पदार्थ का सेवन करने लगते हैं। आगे चलकर तंबाकू सेवन करने की लत बच्चों में लग जाती है। तंबाकू की लत बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालता है। यह बातें शनिवार को जिला नोडल पदाधिकारी तंबाकू नियंत्रण इकाई डॉक्टर AR मुस्तफा ने कही। वे प्रखंड संसाधन केंद्र सभागार में जिला नोडल पदाधिकारी तंबाकू नियंत्रण इकाई एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी कमला सिंह के संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में बोल रहे थे। इस कार्यशाला का विषय तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान रखा गया था। हॉकी इंडिया के नए महासचिव भोलानाथ। रांची से हॉकी के सबसे बड़े प्रशासनिक पद तक पहुंचे भोलानाथ सिंह का शहर पहुंचने पर शनिवार को शानदार स्वागत किया गया। भोलानाथ को 1 दिन पहले सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया का महासचिव चुना गया था। रांची की ही अश्रिता लकड़ा को भी कार्यकारिणी समिति में स्थान मिला है। दोनों ही एक साथ रांची पहुँचे। इन दोनों के स्वागत के लिए हॉकी खिलाड़ी, हॉकी झारखंड के पदाधिकारी, अनेक पहलवान तथा अन्य खेल संघों के प्रतिनिधि भी एयरपोर्ट पहुंचे थे। दुर्गा पूजा में प्रदूषण रोकने की पूजा समितियों से अपील। 2 साल बाद रांची में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। सभी पूजा समितियों ने भव्य पंडाल, ऊंची प्रतिमा और आकर्षक विद्युत सज्जा की तैयारी की है। इस बीच जिला प्रशासन ने सभी पूजा समितियों और आम लोगों से प्रदूषण का ध्यान रखने की अपील की है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देश का पालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने प्रतिमाओं के निर्माण में धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए प्राकृतिक वस्तुओं से मूर्तियां बनाने की अपील की है। पक्के मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि के बदले प्राकृतिक मिट्टी को प्रोत्साहित करने को कहा गया है। झारखंड में जल्द शुरू होगी डोर स्टेप मोबाइल पशु स्वास्थ्य सेवा। पशुपालन से जुड़े लोगों के लिए खुशखबरी है। झारखंड में पशुपालन करने वालों को मोबाइल यूनिट के जरिए पशु चिकित्सा की सुविधा उनके घर तक प्राप्त होगी। यह मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं परीक्षण सुविधाओं से सुसज्जित अति आधुनिक एम्बुलेंस होगी। इसमें पशु चिकित्सक और पैरामेडिकल कर्मचारी भी उपस्थित होंगे। एक अधिकारी ने कहा है कि विशेष रूप से अनुकूलित वाहनों में बीमार जानवरों को एमयू में लोड करने के लिए हाइड्रोलिक सुविधा भी होगी ताकि आपात स्थिति में उन्हें नज़दीकी पशु चिकित्सालय या क्लिनिक में ले जाया जा सके। मुख्यमंत्री से यात्रा पूजा समारोह में शामिल होने का आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को कांके रोड स्थित उनके आवासीय कार्यालय में ऐतिहासिक राजी पढ़ा यात्रा समिति मुड़मा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने दो दिवसीय यात्रा 12 अक्टूबर के पूजा समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। प्रतिनिधिमंडल ने राजकीय परम्परागत ऐतिहासिक पहाड़ा यात्रा मुंडा 2022 के लिए राज्य सरकार से वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराए जाने का भी निवेदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को शुभकामनाएं दी। मौके पर प्रतिनिधिमंडल के मुख्य रूप से मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की मौजूद थी। झारखंड के आंदोलनकारियों का सत्याग्रह शुरू। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में शनिवार को 11 सूत्री लंबित मांगों के समर्थन में सत्याग्रह शुरू किया गया। इसमें उन्होंने राज्य सरकार से मान सम्मान, नियोजन, पेंशन और उनकी अलग पहचान सुनिश्चित कराने की मांग की गई। सत्याग्रह के दौरान मोर्चा ने हस्ताक्षर युक्त 11 सूत्री मांग पत्र झामुमो सुप्रीमो सह स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष शिबू सोरेन को सौंपा। मोराबादी स्थित बापू वाटिका के समीप बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सत्याग्रह शुरू हुआ। इस मौके पर राजू महतो ने झारखंड आंदोलनकारियों से मान सम्मान और उनकी पहचान के लिए गोलबंद होने की अपील की। उन्होंने कहा है कि आंदोलनकारियों के कारण ही राज्य की पहचान बनी है। पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन मजनू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद मंचलों पर गिरिडीह पुलिस सख्त हुई है। ऑपरेशन मजनू शुरू किया गया। चौक चौराहे व स्कूल कॉलेज के पास मंडराने वाले मंचलों को पुलिस ने शुक्रवार को पाठ पढ़ाया है। बता दें कि राज्य की कानून व्यवस्था बेहतर हो इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता दिखाते हुए पुलिस पदाधिकारियों संग बैठक की और महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि स्कूल कॉलेज के आसपास जो मनचले भटकते हैं उन पर सख्त कदम उठाया जाए। सीएम हेमंत के इस आदेश का अनुपालन गिरिडीह में शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में यहां एसपी अमित रेणु के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में ऑपरेशन मजनू चलाया गया। लातेहार में टीचर ट्रेनिंग पास अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। लातेहार में टीचर ट्रेनिंग पास अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और टेट परीक्षा आयोजन करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बिना टेट परीक्षा आयोजित किए शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। झारखंड टेट परीक्षा के बाद राज्य में शिक्षकों की बहाली करने की मांग को लेकर टीचर ट्रेनिंग पास अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। शनिवार को समन्वय के समक्ष अभ्यर्थी पहुंचे और शिक्षक बहाली की मांग की। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा है कि बिना टेट परीक्षा का आयोजन किए सरकार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू करती है तो इसका विरोध किया जाएगा। झारखंड में कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन समाप्त। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल करने समेत अन्य मांगों को लेकर कुर्मी मोर्चा के बैनर तले पिछले 5 दिनों से खेमासुली व पुरुलिया के कुस्तार में चले आ रहे रेल रोको आंदोलन को शनिवार को समाप्त कर दिया गया। कुर्मी नेता अनूप महतो ने 5वें दिन दोपहर करीब 1 बजे पुरुलिया के कुस्तार से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। शाम 4 बजे रेल ट्रैक व सड़क को लोधासुली में जाम मुक्त कर दिया गया। अनूप महतो ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि दुर्गा पूजा को देखते हुए जनहित में इस आंदोलन को वापस लिया गया। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी लड़ाई खत्म हो गई है। हेमंत सरकार के 1000 दिन पूरे। झारखंड में हेमंत सरकार अपने 1000 दिन सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इसी के साथ हेमंत सोरेन राज्य में 1000 दिन सरकार चलाने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं।
इसी कड़ी में राज्य में हेमंत सरकार की सफलता और विफलता को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए रघुवर दास ने कहा है कि मैं उनको बधाई क्यों दूं, जल जंगल जमीन बेचने के लिए विकास ठप हो चुका है, सरकार के पास कोई उपलब्धियां नहीं है, वो गैर संवैधानिक योजनाओं का घोषणा करते जा रहे हैं, राज्य में दुष्कर्म हत्या डकैती और लूटपाट जैसे घटनाएं बढ़ रही है, इसके लिए राज्य सरकार बधाई के पात्र है। रघुवर दास के बयान पर पलटवार करते हुए उधर झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार के पास अभी भी 2 साल बचे हुए हैं, विपक्ष आने वाले समय में राज्य में सत्ता संभालने का सपना भी नहीं देखा। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए, साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।